राष्ट्रपति के 28 अगस्त को जनपद आगमन को लेकर शहर सहित कार्यक्रम स्थल तक के यातायात व्यवस्था में कई परिवर्तन किया गया है। कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित रहेगा तो कई जगह पर रूट डायवर्जन रहेगा, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से बदलाव लागू हो जाएगा। कुशीनगर की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कोनी जगदीशपुर से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। ट्रैफिक SP RS गौतम ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल पिपरी में VVIP गाड़ियों को खड़ा करने के लिए 7 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं सोनवर्षा में 9 पार्किंग स्थल रहेंगे। इन पार्किंग स्थल में 800-800 गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था है। इसके अलावा एक एक TI की ड्यूटी भी लगाई गई है। मुख्य मार्गों पर 6-6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, ट्रैफिक जो है शहर की भी व्यवस्था और जो कार्यक्रम स्थल है पिपरी में भी और सोनवर्षा में भी डाइवर्जन किया गया है और विभिन्न जो है पार्किंग बनाई गई हैं। सामान्य की पार्किंग है, VIP पार्किंग, VVIP पार्किंग, जिससे किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जो है कल ही समाचार पत्रों में दे दिया गया था, आज समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो गया है कि किस किस तरह से हमारा जो है ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा, कहाँ पार्किंग होगी, जिससे कि ट्रैफिक भी हमारा स्मूथली चलता रहे और किसी भी नागरिक को किसी भी जो है व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, यहाँ जनसभा भी है और जनसभा में भी लोग आएंगे, उनकी गाड़ी वाहन का हाँ, जो बसें हैं उनको रोड साइड ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो है इधर जो आपका भटार वाला जो रोड यहाँ से जा रहा है सोनवर्षा से, इसमें जो जनसभा के लिए लोग आ रहे होंगे वो आएंगे, शेष वाहनों को डाइवर्ट किया गया है।